गाइस वेलकम टू साइका वॉर्नेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी आपकी 2023 के लास्ट की परमानेंट सेंटर गवर्नमेंट सर्विस फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल वर्कर। ठीक है, ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाओगे, फ्रेशर्स एलिजिबल हैं। डिपार्टमेंट क्या है आपका? ESIC, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत कमी से सोशल वर्क की वैकेंसी परमानेंट आती है और नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है और मल्टीपल स्टेट में वैकेंसी निकली है। टोटल जो इंडिया है, इंडिया के तकरीबन 25 प्लस स्टेट में वैकेंसी है, लेकिन जो सोशल वर्क की वैकेंसी है वो आपके कितने स्टेट में है? देखो 3, 6 और 9 स्टेट में सोशल वर्क की वैकेंसी निकली हुई है। अभी सभी की बात कर लेंगे, तो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देख लेना। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली किसके लिए? जो बच्चे सोशल वर्क वाले हैं। काफ़ी टाइम से डिमांड थी सोशल वर्क के लिए वैकेंसी लाओ, तो सोशल वर्क की वैकेंसी में ला रहा हूँ। ठीक है, वेस्ट बंगाल से वैकेंसी है और आपकी उत्तर प्रदेश से पोस्ट है, उसके बाद आपकी तेलंगाना से वैकेंसी है, फिर आपके राजस्थान से वैकेंसी है, फिर आपके कर्नाटका से है, फिर जम्मू एंड कश्मीर से है, फिर आपके गुजरात से है, फिर दिल्ली NCR से भी है और चंडीगढ़ और पंजाब रीजन से भी है। तो आप जहाँ चाहो वहाँ अप्लाई कर सकते हो, आपकी कोई दिक्कत नहीं। आपको HRA, PF वगैरह सब कुछ मिलेगा, सब कंप्लीट। हम बात करेंगे कहाँ पर कितनी वैकेंसी। ठीक है, तो अदर पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने टेक्निकल पोस्ट है ECG वगैरह की। ठीक है, लेकिन अगर आप 12th पास हो, सिंपल, अगर आप 12th पास हो तो आप मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट में भी अप्लाई कर पाओगे पोस्ट में। ठीक है, बात याद रखना। और जो मेन पोस्ट है उसकी बात कर लेते हैं एक बार को, जो पंजाब रीजन में, इसमें नहीं है वैकेंसी। सोशल वर्क की वैकेंसी कहाँ पर? यहाँ पर है। देखो, जो आपका दिल्ली NCR है ना, इसमें सोशल वर्क की वैकेंसी है आपकी, बाकी अदर स्टेट में भी है। तो अगर आप 12th पास हो तो आपको अप्लाई करना चाहिए किस में, बताता हूँ आपको। 12th पास की पोस्ट जो है मेडिकल या जूनियर मेडिकल या फिर मेडिकल असिस्टेंट में। बाकी जो मेन पोस्ट है वो है सोशल वर्कर या फिर सोशल गाइड की पोस्ट है। ठीक है ना, तो कितनी जनरल की पोस्ट, टोटल नंबर वैकेंसी 16 है, जिसमें जनरल की पोस्ट कितनी है? 7, SC की 2, ST की 1, OBC की 5 और EWS की 1, और टोटल पोजीशन 16। तो 16 वैकेंसी यार अपने उसमें ही ज़्यादा होती हैं, वो भी परमानेंट सेंटर गवर्नमेंट में नहीं आती इतनी वैकेंसी। ठीक है, और वो भी सोशल वर्क में। ये दिल्ली NCR में आप अगर भरना चाहो तो भर सकते हो, बाकी अदर स्टेट में आपको मिल जाएंगी। कश्मीर में कितनी है? एक मिनट, कश्मीर के रीजन में कहाँ है? और देखो रुको 4 पोस्ट है अभी कर्नाटका रीजन में, उसके बाद आपकी सोशल वर्क की और पोस्ट है राजस्थान में 4 पोस्ट हैं, उसके बाद तेलंगाना में 3 पोस्ट हैं, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश में एक ही पोजीशन है जनरल के लिए, उसके बाद आपका बंगाल रीजन में 4 पोस्ट हैं। ठीक है, इतनी पोजीशन हैं। आप जहाँ चाहो, जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ फॉर्म भर लो। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कौन सी पोस्ट की, दिल्ली NCR की क्वालिफिकेशन की। देखो, सभी के लिए क्वालिफिकेशन सेम है, जिस सोशल वर्क में आप जिस स्टेट में भरोगे सभी क्वालिफिकेशन सेम रहेगी। और अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो भी आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। देखो, अब यहाँ पे देखो, द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड एज लिमिट, सब कुछ यहाँ लिख दी गई है। एक्सपीरियंस मांगा हुआ नहीं है, हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। ठीक है, सीधे चलते हैं सोशल वर्क की। जो सोशल वर्क की पोस्ट है, सोशल गाइड की, जो लेवल 4 की पोस्ट रहेगी, 25,800 से 81,100 आपका पे मैट्रिक्स रहेगा, यानी कि सेंटर की जॉब है, तो आपको अलाउंस वगैरह लगा के 45,000 to 50,000 मिल जाएगी। ठीक है ना, सब कुछ HRA वगैरह जोड़ के, TA, DA जोड़ के आपको 50,000 सैलरी, 50,000 सैलरी आपको मिल जाएगी। आपकी जो एज है मैक्सिमम 37 ईयर इफ़ यू आर जनरल पोस्ट। अगर आप जनरल स्टूडेंट, जनरल कैंडिडेट हो, जनरल है आपके पास कास्ट, तो आपके 37 ईयर। बाकी SC, ST, OBC को रिजर्वेशन मिलेगा, उसकी हम बात करेंगे अभी। अब क्वालिफिकेशन समझ लो, इसे क्या है? आपने डिग्री करी हो, ठीक है, समझना इसको, आपने डिग्री करी हो या फिर आपने डिप्लोमा करा हो, किस में? सोशल वर्क में, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या फिर गवर्नमेंट की स्टेट यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है ना, या फिर आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री AICTE रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से करा तो अप्लाई कर पाओगे। और अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है इन फैमिली प्लानिंग या सोशल वर्क के एक्सपीरियंस में, तो भाई आपको प्रेफरेंस मिलेगी, बस हो गया। ठीक है, अगर नहीं है तो भी अप्लाई कर पाओगे, वन ऑफ द बेस्ट सर्विस रहेगी। तो जो सोशल वर्क वाले हैं जिन्होंने BSW वगैरह करा है, तो डेफिनेटली इसमें अप्लाई करना। काफ़ी टाइम से आप लोग कह रहे थे तो आपके लिए वैकेंसी आ गई, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट। तभी मैं कहता हूँ थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो, पोस्ट आएंगी। बाकी जो अदर फील्ड वाले हैं उनके लिए तो आ रही है, उसके लिए वीडियो मैं बनाता ही हूँ आपके। ठीक है, बाकी सोशल वर्क के लिए आ गई है, बाकी अदर फील्ड के लिए भी मैं लगातार वीडियो लाऊंगा, तो कोई भी निराश मत होना, सभी वीडियो देखते रहना, सभी के लिए वीडियो कंटिन्यू आएंगी। अब क्वालिफिकेशन समझ में आ गई। क्वालिफिकेशन क्या है? डिग्री या फिर डिप्लोमा इन सोशल वर्क। अच्छा, आप कुछ बोलेंगे कि MSW है। यार, अगर आपके पास MSW है ना, तो मैंने मेल करा है ESIC को। ठीक है, तो मैं आपको भी मेल आईडी दे दूंगा, आप भी एक बार ईमेल कर लेना। अगर जिसका भी ईमेल का रिप्लाई आता है कि मेरा आएगा या आपका आएगा, तो आप मुझे बता देना, तो मैं उसके ऊपर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अभी जो मेन एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो आपको चाहिए ही चाहिए एसेंशियल, ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है कि डिप्लोमा इन डिप्लोमा कराओ या फिर डिग्री करियो बीएसडब्ल्यू में। अगर एमएसडब्ल्यू मांगते हैं तो उसके लिए आप एक बार ईमेल करो, मैं आपको ईमेल आईडी दे दूंगा, ठीक है। अगर एमएसडब्ल्यू वाले अप्लाई कर सकते हैं तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेशर्स एलिजिबल है। अब बात करें, इंटरव्यू कोई नहीं है, रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम की तैयारी बहुत ईजी से आप कर लोगे। जो आपकी फॉर्म है वो कल से, फॉर्म आप कल 1 अक्टूबर से ऑनलाइन भरना स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट 30 अक्टूबर रहेगी, ठीक है। अगर आप SC ST हो तो आपको 5 ईयर का एज में इलेक्शन मिलेगा। अगर आप OBC हो तो आपको 3 ईयर का मिलेगा। अगर आप PH हो तो यहाँ पर आप एज इलेक्शन देख सकते हो अपना, ठीक है ना। बाकी एक्स सर्विसमैन का भी लिखा हुआ है यहाँ पर, और अदर कैटेगरी भी। इंडियन सिटीजन होने चाहिए आप, तो आप फॉर्म भर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी किसकी, रिटर्न एग्जाम की। देखो रिटर्न एग्जाम, अगर आप लोग एलिजिबल हो, आप लोग फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, तो उसके ऊपर हम बैच लॉन्च कर देंगे, आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपका फॉर्म फीस, गवर्नमेंट जॉब है तो आपका फॉर्म फीस लगेगी। अगर आप SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो और आप फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपको कितने फीस देनी है, 250 रुपये। बाकी जो ऑल कैटेगरी है, जनरल OBC EWS, उनको 500 रुपये फीस भरनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये बात आप सब लिखी हुई है, पेमेंट आपकी ऑनलाइन होगी। अब हम बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है। एज बता दी मैंने, जॉब बता दी कहाँ पर है, और क्वालिफिकेशन की बात कर ली हमने, पेमेंट की बात कर ली, और एग्ज़ाम के सेंटर कहाँ आएंगे वो आप देख लेना, ठीक है। आपको कोई TA DA वैसे मिलता भी नहीं गवर्नमेंट जॉब पर, आपको एग्जाम के लिए कोई TA DA मिलने वाला है नहीं। अब बात करते हैं एग्जाम की स्कीम क्या है, पेपर में क्या आएगा। सिंपल एक ही फेज़ में एग्जाम होगा, बस हो गया, और आपका सिलेक्शन पक्का है। उसके बाद देखो फेज़ 1 स्कीम, जो आपकी सोशल वर्क है, ठीक है, जो आप सोशल वर्क आपने पढ़ी है BA लेवल की, वो आएगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी में भी सॉल्व, हिंदी में भी आएंगे, इंग्लिश में भी आएंगे। बाकी जनरल अवेयरनेस आएगी 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन, ठीक है, वही GK हिस्ट्री वगैरह, पॉल साइंस। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ठीक है। और मैथमेटिकल एबिलिटी आपकी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, तो वो हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे, और ठीक है, आपके मार्क्स होंगे 150। और आपको जो है 60 मिनट्स मिलेंगे, किसके लिए, जो आपके 50 क्वेश्चन है ना। देखो दो पार्ट में डिवाइड है। अगर आप सोशल वर्क के 50 क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, सीधी बात, तो जो सोशल वर्क के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप 50 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी कितने, 20, 20, 40 और 50, बाकी 50 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटा और मिलेगा। टोटल 1 आवर 20 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो 2 घंटा आपको पेपर के लिए मिलेंगे, सिर्फ 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की, और क्वालिफाइंग मार्क्स भी है रिटर्न में। कितने हैं, अगर आप जनरल तो 45%, OBC हो 40%, EWS हो 35%, ठीक है। तो जनरल ये मार्क्स हमें आपको मिलेंगे। SC ST हो, एक्सर्विसन 30%, ठीक है। अब यहाँ सब मैंने आपको बता दिया है। बाकी डाटा एंट्री की पोस्ट जो है, अगर आप 12th पास हो, अगर आप स्वैम्पल 12th पास हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में PDF दूंगा। तो 12th पास वाले मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट में फॉर्म भरना, उनका ही पेपर सेम रहेगा, और उसके पेपर के बाद उनकी टाइपिंग टेस्ट होगा, बस हो गया। और इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट है नहीं सोशल वर्क में, ठीक है। अब देखो समझो यहाँ पर आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। द कैंडिडेट क्वालिफाइंग फेज़ 1, जो फेज़ 1 पास करेगा उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, बेसिकली बस हो गया। बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी हो गया। ये फॉर्म आप पढ़ लें, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बैच लॉन्च हम कर देंगे, अगर आप फॉर्म भरो अच्छे से अपना। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप C पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ ऑफ EIC मेडिकल इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरी। आपकी जो पोस्टिंग होगी वो हॉस्पिटल्स में होगी। एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अपने हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी। ये आप फॉर्म भरोगे यहाँ से कल से। अगर आप न्यू हो तो यहाँ पर क्लिक है टू न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना, आपका जो है फॉर्म भरना वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो खुल गया। अभी देखो एप्लीकेशन नहीं दिखा रहा, क्योंकि कल दिखाएगा। एप्लीकेशन इज़ नॉट येट स्टार्टेड, एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो हम कंटिन्यू होम पेज पे चले जाएंगे। तो ये आपकी बेसिकली है, ठीक है। आपकी एग्जाम डेट नहीं आई है, बता दिया मैंने आपको पहले ही। तो बाकी जो इसका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आपको मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। अगर आप रिक्रूटमेंट पर क्लिक करोगे देखो, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। देखो पूरा आ गया, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो मैं आपको एक वेबसाइट है फ्री जॉब अलर्ट, मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा, ठीक है। नहीं रुको, ये है नोटिफिकेशन, देखो ये है ना ES, साफ देख लेना, फिर कन्फ्यूज़ मत होना। ये देखो, ये है आपका ESIC हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। तो बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, केरला, MP, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। इतनी जगह पोस्ट है, जहाँ पर भी क्लिक करोगे, लाइक आपको NCR का क्लिक करा आपने, तो NCR का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये आ गई पोस्ट सोशल वर्कर की। तो टोटल जो वैकेंसी, ठीक है, जो सभी पोस्ट की वो 1000 से ऊपर हैं, ठीक है। सोशल वर्क की 50 से ऊपर पोस्ट है। तो आप लोग कंप्लीट डिटेल पढ़ो, OT वाले भरो, और ECG भरो, ठीक है। ऑटोमेटिक भरो, कोई भी आपने पढ़ाई करिए आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसलिए मैंने कहा कि ये पोस्ट काफ़ी अच्छी आप लोगों के लिए रहेंगी, इसलिए आपको इस फॉर्म को भरना चाहिए बेसिकली। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्वेल्थ पास वालों के लिए कौन सी पोस्ट है, मुझे दिख नहीं रही है अभी, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, नोटिफिकेशन बहुत सारे हैं तो आप लोग नोटिफिकेशन को रीड कर लेना, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, देखो ये है मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, एक बार देख लेते हैं मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट को भी। देखो कहाँ पर है मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट। ठीक है, देखो अगर आप सिंपल ट्वेल्थ पास हो ना तो यहाँ पे देखो क्या आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो ट्वेल्थ पास होने चाहिए आप, साथ में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन ट्रेनिंग का, तभी आप भर पाओगे, और टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। तो ट्वेल्थ पास प्लस मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का, बाकी आप फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल वर्क, गवर्नमेंट की पोस्ट है, काफ़ी कमी से 50 से ऊपर पोस्ट आती है, सो टोटल पोजिशन 1000 है। तो आप फॉर्म भरो, बैच हम इसका डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको अपडेट कर दूँगा। इंस्टा के ब्रॉडकास्टिंग लिंक का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ ज्वाइन कर लो, और सारी अपडेट आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी जल्द मिलते हैं एक और अच्छी अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू।